तो इसलिए लिखा होता है ट्रेन के पीछे एक्स, इनका अर्थ भी समझे। जी हाँ दोस्तों, विस्तार से जानेंगे पूरी खबर, उससे पहले इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। ट्रेन में हमने से ज्यादातर लोग आए दिन सफर करते हैं। सफर के दौरान आपने ट्रेन में या ट्रेन के बाहर बहुत से साइन देखे होंगे। ट्रेन में ऐसा ही एक साइन है कि ट्रेन के आखिर डिब्बे के पीछे एक्स का निशान क्यों बना रहता है। हम इस निशान को अक्सर देखते हैं, हालांकि ज्यादातर लोगों को इसका मतलब नहीं पता होगा। आपको बता दें कि भारत में चलने वाली हर पैसेंजर ट्रेन के पीछे सफेद या फिर पीले रंग से यह निशान बना रहता है। इस निशान के पीछे का राज ये है कि यह सभी सवारी गाड़ियों के अंत में होना अति आवश्यक है। यह नियम भारतीय रेलवे की ओर से ही बनाया गया है। इसके साथ ही हमने कई ट्रेनों पर LV भी लिखा हुआ देखा होगा। इसके अलावा ट्रेनों के पीछे लाल रंग की लाइट भी ब्लिंक करती रहती है। इन सभी निशानों के बारे में आपको बता दें कि किसी भी ट्रेन पर जब LV लिखा होता है तो इसका मतलब होता है लास्ट व्हीकल यानी आखिरी डिब्बा। इस निशान के पीछे का राज ये है कि यह सभी सवारी गाड़ियों के अंत में होना अति आवश्यक है। यह नियम भारतीय रेलवे की ओर से ही बनाया गया है। इसके साथ ही हमने कई ट्रेनों पर LV भी लिखा हुआ देखा होगा। इसके अलावा ट्रेनों के पीछे लाल रंग की लाइट भी ब्लिंक करती रहती है। इन सभी निशानों के बारे में आपको बता दें कि किसी भी ट्रेन पर जब LV लिखा होता है तो इसका मतलब होता है लास्ट व्हीकल यानी आखिरी डिब्बा। यह LV हमेशा X के निशान के साथ ही लिखा होता है। जब किसी भी ट्रेन के पीछे X निशान होता है तो यह कर्मचारियों को संकेत देता है कि यह ट्रेन का आखिरी डिब्बा है। और अगर किसी ट्रेन के पीछे यह निशान नहीं होता है तो इसका मतलब होता है कि ट्रेन एक आपातकालीन स्थिति में है। वहीं ट्रेन के पीछे जलने वाली लाल रंग की लाइट भी ट्रैक पर काम करने वाले कर्मचारियों को निर्देश देती है कि ट्रेन उस जगह से निकल चुकी है जहां वे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि यह लाइट खराब मौसम में कर्मचारियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके साथ ही यह लाइट पीछे से आने वाले ट्रेनों को भी इशारा करती है। वैसे दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक करें, और अगर यह वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।